गिडियन सपनों की उड़ान। हेलो बच्चों, ये है गिडियन सपनों की उड़ान और आज हम फिर से माइंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि हम पहेलियों का जवाब ढूंढेंगे। पिछली बार भी हमने बहुत सारी पहेलियों के जवाब ढूंढे थे और आज भी हम बहुत सारी पहेलियों को हल करेंगे। पिछली बार मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी और मैंने कहा था आपको कि आप इसका आंसर ढूंढना। पहेली थी, रहता है सर के ऊपर पर कभी कभी ही आता काम, या तो तेज धूप में आए वो याद या फिर बारिश में पकड़े हम उसकी टांग। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पहेली को अपने दोस्तों से और मम्मी पापा या फिर टीचर से पूछा होगा और आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इसका सही जवाब है छतरी या छाता, यानी अम्ब्रेला। तो छाता है इसका सही जवाब। तो चलिए, आज के कार्यक्रम की पहेली है, सुबह आता शाम को जाता, दिन भर अपनी चमक दिखाता। फिर से सुनिए, सुबह आता शाम को जाता, दिन भर अपनी चमक दिखाता। ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है और दिन भर चमकती रहती है? अगर बादल होते हैं तो वो चीज थोड़ी कम चमकती है। बताइए बच्चों, कौन दे रहा है सही जवाब? और ये मुझे कहीं से कुछ सुनाई दिया। ओ हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक, इन्होंने कहा है सूरज, सन। दिन भर चमकता रहता है, सुबह आता है और शाम को चला जाता है। तो बिल्कुल ठीक जवाब, इसका जवाब है सूरज। और किडियान पर अब सुनते हैं अगली पहेली। अगली पहेली है, जब वो नाक पर चढ़ जाता है, कान पकड़ लेता है, तभी तो हमको साफ दिखाई देता है। अरे ये कैसी पहेली है, फिर से सुनिए। तो जब वो नाक पर चढ़ जाता है तो कान पकड़ लेता है, तभी तो हमको साफ दिखाई देता है। कौन सी ऐसी चीज है जो नाक पर चढ़ जाती है और कान पकड़ लेती है? क्या हो सकता है? लोगों के चेहरे देखिए तो किसी के चेहरे पर दिख रहा है कुछ, कि कुछ नाक पर चढ़ा हो और उसने कान पकड़ रखे हो। ओ हाँ, मुझे दिख गया। अरे हाँ, मेरी नाक पर भी तो चढ़ा है और इसने कान भी पकड़ रखे है। बताओ ये क्या है? ये है चश्मा। देखो, नाक पर चढ़ता है और कान पकड़ लेता है, और जब ये नाक पर चढ़ा होता है तभी तो हमको साफ दिखाई देता है ना? तो ढूंढ लिया हमने इस पहेली का जवाब। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उन्हें पता है कि जब हम चश्मा लगा लेते हैं तो हमें और भी साफ दिखाई देता है। अगली पहेली है, पंख नहीं है पर उड़ती रहती है, हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है। हाँ, ये कौन सी चीज है बच्चों, सोचिए। तो पंख नहीं है पर उड़ती रहती है। क्या हो सकता है पंख नहीं पर उड़ती रहती है? ओ हाँ, मिल गया मुझे इसका जवाब। पंख नहीं है पर उड़ती रहती है, आपने भी उड़ाई होगी। समझ आया क्या? इसका जवाब है पतंग। पंख नहीं है पर उड़ती रहती है, और हाथ नहीं है तब भी लड़ती है। देखो, पतंग के हाथ नहीं होते, लेकिन जब पतंग एक पतंग दूसरी पतंग से उलझ जाती है तो उसे कहते हैं पतंग लड़ गई या फिर पतंग कट गई। बिना पंख के भी पतंग उड़ जाती है। तो इस पहेली का सही जवाब है पतंग। और जिन बच्चों ने आज मेरे साथ पहेली का ठीक ठीक जवाब दिया उनके लिए बजाते हैं हम जोरदार तालियां। फिलहाल मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। ये है किडियान सपनों की उड़ान।